नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जोशीमठ राहत से। कितनी राहत मिली है, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। दरअसल करीब 100 दिन पहले तबाही का वो मंजर कौन भुला सकता है। जोशीमठ में जो तबाही हुई उससे जोशीमठ के हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि 167 लोगों को मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले एक कार्यक्रम में ये घोषणा भी कर दी कि जोशीमठ सुरक्षित है और चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। जोशीमठ संघर्ष समिति पिछले 100 दिनों से जोशीमठ के लोगों के उचित पुनर्वास और विस्थापन के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे अनसुनी कर दी है और राम भरोसे उनको छोड़ दिया है। दो महीने बाद मानसून आने वाला है, जिस वजह से लोग भारी तबाही की आशंका से घबराए हुए हैं। इस आंदोलन के समर्थन में हिमालयी राज्यों के युवाओं द्वारा गठित यूथ फॉर हिमालय भी मैदान में आ डटा है। इस धरने में कई संगठनों से मिलकर बने समूह की टीम समर्थन देने के लिए आई है, जिसने बुधवार को दिन भर घूमकर जोशीमठ के प्रभावितों से बातचीत की। गौरतलब हो कि जोशीमठ में भूदशाव के मामले दिसंबर से ही आने शुरू हो गए थे। जनवरी की शुरुआत में कई जगहों पर भूदशाव की घटनाएं आ चुकी थी। शहर के मनोहर बाग, सुनील सिंहधार वार्ड और ओली रोड पर लोगों ने घरों में दरार आने की बातें कही थी। नगर क्षेत्र में भूदशाव से मकानों के साथ कृषि भूमि के लिए भी प्रभावित होने की घटनाएं सामने आने लगी थी। यहां खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। कई जगहों पर तो खेतों की दरारें 1 फीट तक चौड़ी हो गई। धसाव का सिलसिला 2-3 जनवरी की रात को सामने आया, जब कई मकानों में अचानक बड़ी दरारें आ गई। इसके बाद तो पूरे नगर में खौफ ही फैल गया। मारवाड़ी वार्ड में स्थित जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आई। कॉलोनी के पीछे पहाड़ी से रात को ही अचानक मटमैले पानी का रिसाव शुरू हो गया था। दरारें आने से कॉलोनी के एक पुश्ता भी रह गया था। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें दिखने लगी थी। वहीं तहसील के आवासीय भवनों में भी हल्की दरारें दिख गई थी। भूदशाव से शंकराचार्य मठ परिसर में भी दरारें आईं। जोशीमठ के लोगों का दावा है कि एनटीपीसी कंपनी ने विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में एक सुरंग तैयार करने के लिए 39 ब्लास्ट करवाए, जिसकी वजह से धरती के भीतर मौजूद कोई प्राकृतिक जल स्रोत फट गया, जिसके बाद शहर के कुछ हिस्सों से बेहद तेज कीचड़ वाला पानी लगातार बहने लगा, जिससे शहर तेजी से धंसने लगा। वहीं 12 किलोमीटर लंबी सुरंग नदी का पानी पनबिजली स्टेशन के टरबाइन तक ले जाएगी, जिसके कुछ हिस्से शहरियों के दावे के अनुसार जोशीमठ की जमीन के भीतर से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीआरओ जैसी एजेंसियां और अन्य निजी कंपनियां रोड बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें ब्लास्टिंग और भारी मशीनों का इस्तेमाल भी हो रहा है। 24 दिसंबर 2009 को बड़े बड़े शहरों की धरती के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए चुपचाप सुरंग खोदे जाने वाली एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन अचानक फंस गई थी। सामने से हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। महीनों बीत गए, लेकिन काबिल से काबिल इंजीनियर ना इस पानी को रोक पाया और ना ही टीबीएम चालू हुई। दरअसल इंसानों के बनाए इस मशीन ने प्रकृति के बनाए एक बड़े जल भंडार को छेड़ दिया, उसमें छेद कर दिया। लंबे समय तक रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहता है। धीरे धीरे जल भंडार खाली हो गया। जोशीमठ भूदशाव की वजह से एनटीपीसी का काम भी 5 जनवरी से ठप पड़ा है। आपको बता दें, 10 अप्रैल को 97 दिन हो चुके थे और कंपनी का काम बंद होने से एनटीपीसी को काफी नुकसान हुआ है। अब तक 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 75% बन के तैयार हो गया और इस पर अब तक 6,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। हमारा जो धरना यहाँ चल रहा है, इसके जरूर आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन को तो जो है 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। हमने पहला प्रदर्शन 17 नवंबर 2021 को किया था और उसके बाद से लगातार हम इस सवाल को उठाते रहे हैं। आज जो है 100 दिन जो हुए हैं उसमें ये इसलिए उपलब्धि है कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। फिलहाल तो हम घर ही हैं, अब देखते हैं बरसात के टाइम पे कहाँ जाते हैं। इसके
बाद अब आए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ धरना के 110 दिन हो चुके हैं, 101 दिन हो चुके हैं और फिर हम यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग आता है यहीं पे रहते हैं। आज धरने को 100 दिन हो गए और हम 100 दिनों से यहाँ बैठे हैं, तब तक ये कंपनी का काम भी बंद नहीं हुआ है और कृपया करके हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि वो कंपनी बंद करे और यहाँ जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो कंपनी जानी चाहिए। 100 दिन हो गया अभी हमारे घर है, एक वो बना रखा है कि गेट बन रखा ढाक, ढाक में भी रहने के हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों के स्कूल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है, हमें कुछ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा शहर है, कोई सुविधा नहीं है, नहीं डॉक्टर है, नहीं मास्टर है, नहीं कॉलेजों में टीचर है, कुछ नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो देखिए आम लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। जोशीमठ आपदा जो आई थी, 100 दिन हो गए हैं इन लोगों को, अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपदा से राहत कितनों को मिली है, जो सरकार के तमाम दावे हैं राहत देने के वो कितने सफल हो पा रहे हैं, इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा है। खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं खास पैनलिस्ट, हमारे साथ संजीव वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है संजीव जी कार्यक्रम में। हमारे साथ लखपत बुटोला जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। सबसे पहले संजीव जी, आप इसे कार्यक्रम की शुरुआत, 100 दिन बीत चुके हैं, जो कुछ भी जोशीमठ ने देखा, जो कुछ भी झेला, इन 100 दिनों के दौरान सरकार ने तमाम राहत की बात कही, तमाम आर्थिक पैकेज भी दिए गए, एक जो पैमाना है उसके अंतर्गत ये कहा गया कि इन इन लोगों को इस तरह से हम राहत देंगे, लेकिन इन 100 दिनों को कैसे आप देख रहे हैं, जनता के लिए क्या कुछ किए गए बजट से लेकर अब तक? देखिए, सरकार पूरी बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। जोशीमठ की घटनाओं का पल पल का ब्यौरा सरकार ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई बार के जोशीमठ में दौरे हो चुके हैं और वहाँ के पुनर्वास के लिए और विस्थापन की जो नीति बनाई गई है उसमें वहाँ पर चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वहाँ के जितने भी निवासी हैं उनके प्राणों की रक्षा की बात हो, चाहे अन्य जो भी बातें हों, सरकार हर दिशा में पूरी तरह से जोशीमठ के तमाम लोगों के साथ है और उनके बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। और अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा केंद्र से जोशीमठ के विस्थापन के लिए और वहाँ के जो भी पुनर्वास कार्यक्रम है और जो भी जोशीमठ का जो भी वहाँ पे काम होना है उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 1000 करोड़ केंद्र के द्वारा जारी कर दिया गया है और वहाँ पे हम लोग काफी लोगों का पुनर्वास अभी तक कर चुके हैं, विस्थापन हम लोग कर चुके हैं। किंतु बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जो इस विपदा और आपदा के समय पर एक मौका ढूंढ रहे हैं और एक अवसर ढूंढ रहे हैं, उनको ना वहां के लोगों की भावनाओं की कदर है, ना उनकी भावनाओं से वो लोग लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां के लोगों को भ्रम और भय के वातावरण में ठीक है लगातार। लेकिन संजीव जी देखिए आपने तमाम बातें रख दी, कितना बजट दिया गया, कितना पुनर्वास नीति में काम किया गया, ठीक है, लेकिन संजीव जी यहाँ सवाल ये भी है ना, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी, अभी हमने अपने चैनल पर चलाई थी संजीव जी, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपने सुनी होंगी, अभी कुछ ही समय पहले हमने दिखाई थी अपने रिपोर्ट में कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, जो वादे और दावे आप कर रहे हैं वो दरअसल उन तक पहुंचे नहीं हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों से छूट गए हैं, उनको नहीं मिल पा रही वो राहत बचाव, जो आप कह रहे हैं कि राहत पैकेजेस दिए गए हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, प्रतिक्रियाएं लोगों की इसलिए आ भी रही हैं आज 100 दिन होने के बाद भी। लेकिन इस बीच लखपत बुटोला जी, क्या लग रहा है आपको, ठीक आऊंगी आपके पास, जवाब लूंगी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, बोलिए संजीव जी बोलिए। देखिए, आपने जैसे कहा कि सरकार ने जितने वायदे किए, जितने काम किए, तो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ
कि हमने सरकार से जो भी बेहतर और भरसक हम लोग लोगों ने प्रयास किए और काम किए, ग्राउंड जीरो पे हम लोग काम कर रहे हैं, धरातल पर हमारा काम जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, किंतु ये जो एक संघर्ष जो लोग हैं, फिर संजीव जी ये जो लोग अभी बता रहे थे, और संजीव जी आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन बीच में मुझे सवाल भी तो पूछना पड़ेगा ना, जब लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी आएंगी, लोग कह रहे हैं उनको पुनर्वास नहीं मिल पाया, उनको घर नहीं मिल पाया, लोग अभी रह नहीं पा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे भी तो हमें देखने होंगे ना, जो लोग बात कह रहे हैं, जो अभी भी परेशान चल रहे हैं, उनकी परेशानियों को भी तो हमें समझना पड़ेगा। बहरहाल लखपत जी, क्या इस बीच ये बार बार सवाल उठा कि जिस तरह से सरकार तो राहत बचाव देने की पैकेज देने की पूरी कोशिशें कर रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से, यहां तक कि केंद्र की तरफ से इन्वॉल्वमेंट दिखा, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को अनारगल तरीके से घुमाता रहा, लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, ये कहा गया सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन बार बार कांग्रेस वहां पर कुछ रणनीति और षड्यंत्र के तहत लोगों को भटका रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो संजीव जी ने कहा, मुझे बड़ी आश्चर्य भी होता है, घोर आपत्ति भी होती है। इस आंदोलन में जितने लोग हैं, इस आंदोलन का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं चमोली जनपद का रहने वाला हूं और आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में जितने लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई अन्यत्र पार्टी से जुड़ा स्थानीय लोग है जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। और इसमें जब पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, इनके मुख्यमंत्री गए, इन्हीं के वहां पे जिला के जितने भी कार्य जितने भी इनके पदाधिकारी, उन लोगों ने सवाल उठाया था, और उससे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो चाइना से मिले हुए देशद्रोही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं एक चीज इन्होंने कही, बहुत बड़ी बात है कि हम जीरो ग्राउंड पे काम करें, मान्यवर लोगों को एक एक टेंट में रखने के बाद लोगों के बड़े बड़े होटल तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, मकानें तोड़ दी, उनको सीज करने का काम कर दिया, उन लोगों के लिए आप एक बता दीजिए इस चैनल पे कि आपने कितने घर दिए थे उनको, जिनकी जमीनें गई हैं उन लोगों को क्या राहत, जिनकी खेती बाड़ी की जमीनें चली गई हैं उनके लिए क्या राहत है, जिनके मवेशी पशु गाय जिन पे उनकी आजीविका है उसको लेके आपने क्या स्टैंड उठाए, ये तो बताएं। केवल लोगों के घर मकान दुकान तोड़ करके रातों रात खाली करके, जिस जोशी मठ में इतना ठंडा, आज तो मौसम कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पिछले विगत 10 दिन पहले तक भी जोशी मठ के अंदर इतनी ठंड थी, बर्फ गिर रही थी, बारिश लगातार हो रही वहां पे, और उसके बावजूद भी मई जून दिसंबर जनवरी फरवरी में लोग बाहर सड़क पे रह रहे हैं, टेंटों के अंदर रह रहे, ये बस है स्थानीय कितने बनाए, भूमि का चयन कहाँ किया इन लोगों ने विस्थापन के लिए, तो जिनकी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या काम किया गया, ये आरोप लगाना विपक्ष का। बिल्कुल लखपत जी, यहाँ सरकार ये कह रही है कि हम 4,000 से 5,000 रुपए दे रहे हैं किराए के लिए, उसको भी बढ़ा दिया गया, हम 1,000-1,000 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है कि आप विस्थापित कहाँ पर कर रहे हैं, मुआवजा देके आप उन लोगों की जो उनकी पुरानी जमीनें हैं जहां पर वो रहे हैं, जहां पर उनकी कई पीढ़ियां रह रही हैं, उनको आप सिर्फ चंद पैसे देकर नहीं ये कह सकते कि हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, हम उनको राहत दे रहे हैं। पुनर्वास नीति से लेकर मुआवजे की मांग को लेकर धरना चल रहा है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं उस संघर्ष को, लेकिन बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जिस राहत की, जिस पैकेज की बात सरकार कर रही है, क्या वो यकीनन जो जमीनी स्तर पर लोग वहां पर हैं उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। संजीव जी, सीधा सा सवाल ये है, और ये लोग भी परेशान हैं इसको लेकर, देखिए आने वाले समय में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, सीजन का वक्त है, टूरिस्टों का वक्त है, उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र है, इस लिहाज से भी बड़ा अहम हो जाता है कि जोशीमठ में हम एक बार फिर से ऐसी कोशिशें करें कि डर और भय का माहौल ना बने, यहां पर बारिश जब आ जाएगी, मानसून आ जाएगा, क्या ये लोग ऐसे ही टेंटों में या फिर इधर उधर रहेंगे, इनके लिए कोई स्थायी बंदोबस्त कैसे हो पाएगा, ये स्थायी नीति की आवश्यकता है ना इस वक्त वहां पर। देखिए, सरकार पूरी तरह से स्थायी, लेकिन जब भी कोई एकाएक कोई भी आपदा या प्राकृतिक आपदा आती है तो इंस्टेंटली सरकार किसी भी तरह के कोई भी, चाहे कोई भी सरकार हो, एक विकल्प के तौर पर कुछ इंस्टेंट कार्यवाही करती है, जिसमें टेंटिंग की उस समय व्यवस्था हुई, सर्दी का मौसम था, तमाम जितने भी वहां पर परिवार थे उनके राशन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, सर्दी ना लगे लोगों को, सर्दी से बचे रहे, ब्लोअर की
और तमाम गर्म कपड़ों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई, उनके संजीव जी लोगों के बसे बसाए घर थे वहाँ पर, लोगों का रोजगार था वहाँ पर, बसे बसाए घर थे, कई पीढ़ियां वहाँ पर रह रही थी, लोगों के होटल थे, उनका रोजगार था वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि ये सब जो बुनियादी सुविधाएं हमने दे दी और इसको देने के बाद हमारा काम पूरा हो गया, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, सरकार ने लोगों की पुनर्वास नीति दे दी, मुआवजा दे दिया, सर ये काफी है क्या? मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आप बीच में बोल जा रही हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए मैंने कहा सरकार ने त्वरित तौर पर जितने भी बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकते थे हमने किए, और हम एक स्थायी हल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जोशीमठ का जो बेटर से बेटर विस्थापन नीति को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को कतई मलाल नहीं होने वाला कि हमने अपना कुछ खोया। हाँ देखिए एक लगाव तो अपनी जमीन अपनी माटी से होता है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के विस्थापन की जो सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है, उनको अन्यत्र बसाने की जो नीति बनाई गई है, वो उसमें उसमें हम लोग कतई पीछे नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के वहां पर विधायक हैं वो लगातार मौन साधे हुए हैं, विधानसभा में उन्होंने एक लफ्ज भी जोशीमठ की आपदा के ऊपर नहीं उठाया। जब भी संजीव जी देखिए सीधा सा सवाल तो ये है ना, आप 100 दिन तो गुजर गए, 100 दिन में आप कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में ये सब चीजें करेंगे, देखते ही देखते ऐसे ही 365 दिन ना गुजर जाए, ऐसे ही दिन रात एक ना होता रहे लोगों का, ये सवाल है ना। 100 दिनों में क्या किया सरकार ने? 100 दिन कम नहीं होते ये लोग किसी भी चीज। संजीव जी काफी वक्त निकला है, ऐसा नहीं है कि सरकार से एकदम से सवाल पूछ लिया गया कि आज यहाँ पर आपदा आई, कल आपने क्या किया, ऐसा नहीं हो रहा। संजीव जी सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनना होगा। भ्रम का वातावरण करके एक ठीक है, देखिए कांग्रेस पर आरोप लगा देना बड़ा आसान है कि विपक्ष जो है बरगला रहा है, लेकिन इस वक्त सत्ता में आप है तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा ना सर, सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा ना कि 100 दिन का समय हो गया, 100 दिन में क्या कुछ किया गया या जितना भी किया गया क्या काफी है, ऐसे ही कई 365 दिन और अन्य दिन ना गुजरते रह जाए। आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए हमने वहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम भेजी है, उन्होंने अपना पूरा सर्वे किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और जो भी जहाँ से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसके समाधान के लिए वो लोग आगे बढ़े हैं। और साथ ही सरकार सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो भी परिवार हैं उनके पुनर्वास की, और उनके पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। लेकिन कुछ परिवार जो सड़कों पर है उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। ठीक है संजीव जी, लखपत जी को भी हमें समय देना, लखपत जी बताने की दिशा में हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को चलिए जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए संजीव जी, जवाब ले लेते हैं लखपत जी। कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस ही ये सब कर रही है, लेकिन क्या विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए, देखिए राजनीतिक पहलू अलग है लेकिन जनता से सौहार्द रखते हुए, जनता की सहानुभूति के लिए और जनता के लिए क्या इस मुद्दे के लिए कोई मदद की गई है या सिर्फ आपने भी सरकार पर छोड़ दिया सब? देखिए पहली बात मैं 2-3 सवाल संजीव जी से पूछूंगा। पहली बात मैं आपसे एक बहुत साधारण सी बात है, आपने कहा राजनीतिक रूप से, मैंने एक चीज कही कि राजनीतिक मामला नहीं, जोशीमठ हमारे लिए धार्मिक सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सवाल यहाँ पे इन्होंने कहा हम वैज्ञानिक तथ्य ले रहे हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि इसरो की जो रिपोर्ट गूगल पे थी उस रिपोर्ट को इन्होंने दरकिनार कर दिया, उसे गूगल से हटा दिया, जो वो कह रहा था कि 4.5 इंच के आसपास जोशीमठ की धरती धंस रही, आगे की स्थितियां खराब होगी, सरकार उस पर लेना चाहिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो ये काम करने के बजाय गूगल से रिपोर्ट हटा देते। इन्होंने कहा आंदोलन की बात, जो सती जी आंदोलन की लीड करे वो किस पार्टी से जुड़े रहे पूर्वांतर में, ये भी इन्हें बताना चाहिए, इनको पता रखना चाहिए। तीसरी बात, अब इन्होंने कहा हम पुनर्विस्थापन करें, एक घर का पुनर्विस्थापन किया, पिछले 1.5 साल की बात हो गई है, एक परिवार आपने पुनर्विस्थापित किया तो बता दीजिए आप,
उसका नाम लेके बता दीजिए आप चैनल पे, हमने घर पुनर्स्थापित कर दी। जो ये महिलाएं बैठी हुई, हमारी माताएं बहनें छोटी बच्चियां बैठी हुई सड़क पे, इन्हें शौक है क्या? लोगों को अपनी खेती करनी है, बारी करनी है, आजीविका देखनी है, अपने बीवी बच्चे देखने, अपने पशु खेती बाड़ी देखने, पशुओं को देखना है। ये लोग सारी चीजें छोड़ करके सड़कों पे आ रखे और ये कह रहे राजनीति की जा रही। ये किस तरह की बातें है? चैनल पे आके कह रहे कि राजनीति की जा रही, चैनल पे आके कह रहे कि कांग्रेस बरगला रही। आप समाधान के बात कहने के बजाय आप ये बताएंगे आपने क्या क्या है? लोगों के होटल तोड़े, मकान तोड़े, दुकान तोड़े, यही आपने बता दीजिए। एक घर विस्थापित क्या बता दीजिए, कौन सा मुद्दा उठा, एक घर बता दीजिए सरकार को, एक घर बता दीजिए, एक दुकान बता दीजिए। क्या सुझाव दिया आपने, सरकार की मदद क्या की? ऐसे मौके पे तो चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको एक साथ काम करना चाहिए था। आपने क्या किया? तो हम कर रहे हैं मैडम जी, ये स्थिति ये है कि बद्रीनाथ के विधायक को मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं देता है, डेलीगेशन लेके जाके मिलने को टाइम नहीं मिलता है। इनकी राजनीति है, झूठ भाजपा को प्रयास ही नहीं किया, हमारा काम नहीं है। जिस तरह से झूठ और पीठ दिखाने का काम आप करते हैं संजीव जी, लखपत जी, देखिए जोशीमठ की जनता देख रही है इस वक्त आप दोनों, बड़ी उम्मीद से टकटकी लगाए बैठी है कि शायद उनके लिए कुछ किया जाए। आप इस बात को तो मानते हैं? देखिए, अपनी जमीन छोड़ना, अपना घर बार छोड़ना किसी के लिए भी बहुत तकलीफदायक हो सकता है और टिहरी इसका एक जीता जागता उदाहरण रहा है। पुरानी टिहरी को छोड़कर आपने नई टिहरी तो बसा दी, लेकिन लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो आज भी उसी से जुड़ी हुई है, इस बात का ख्याल हमें रखना होगा। बहरहाल, जोशीमठ को आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत मिलती है, लोगों को कितनी राहत सरकार दे पाती है, देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जुड़े थे हमारे साथ, नमस्कार।